हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 2 प्लेन्स। ओके, उसे स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक्स आपको पता होना चाहिए जो हमें प्लेन के लिए काम आ सकता है। ठीक है, सो चलो स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। ओके, अब देखो हम 3D की बात करने वाले हैं। ठीक है, एंटायर एनालिटिकल ज्योमेट्री में हम 3D की बात करने वाले हैं। ठीक है, अब सपोज करो ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, सपोज करो ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, इन दोनों का डिस्टेंस निकालना है, मतलब ये दो पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है। तो किस तरह से निकाल सकते हैं? सो देर इज अन फॉर्मूला। ठीक है, सो देर आर टू पॉइंट्स x1 y1 z1 एंड x2 y2 z2, देन द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट पी क्यू इज अंडर रूट x2 - x1 होल स्क्वायर + y2 - y1 होल स्क्वायर + z2 - z1 होल स्क्वायर। ये आपने 12th तक बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा है। ठीक है, सो उसको हम ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं देंगे, बस हम रिवाइज कर लेंगे जो कुछ भी बेसिक्स है वो। ठीक है, देन नेक्स्ट वन इज सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला क्या होता है, देखो पहले मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ यहीं पे। अब देखो ये दो पॉइंट है ए एंड बी, इस पॉइंट को ये वाला एक पॉइंट है से आर, ठीक है, हियर इज वन पॉइंट आर जो डिवाइड कर रहा है इन सम रेशियो से एम एन एन। ठीक है, कुछ तो रेशियो में डिवाइड कर रहा होगा, मतलब हम बचपन में नहीं क्या करते थे कि एक छोटा सा चॉकलेट लाते थे घर वाले और बोलते थे ये दोनों में बांट लो। ठीक है, तो हम क्या करते थे, मुंह में रख के थोड़ा सा तोड़ देते थे, ये तू ले ये मैं लेता हूँ। सो हम उसको डिवाइड करते थे किस रेशियो में, ठीक है, मतलब इतना तू ले इतना मैं लू। ठीक है, सो उसके ये जो पॉइंट है आर, तो उसे कैसे निकाले? ठीक है, अगर वो एम एस टू एन में डिवाइड कर रहा है तो वहां पे एक फॉर्मूला है, ये जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। ठीक है, इसके बारे में भी आपने पढ़ा है। सो नेक्स्ट वन डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन, ये ज्यादा मैटर करने वाला है पूरा एक्सरसाइज 2.1 में। ठीक है, सो डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं, फिगर से समझ लो कि देखो ये 3D ज्योमेट्री है, 3D का ग्राफ है ये, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज जेड एक्सिस। सो हियर इज एनी पॉइंट से एक्स वाई जेड और उसे डिनोट किया गया है पी से। ठीक है, सो ये वाले पॉइंट को, ये वाले पॉइंट को मैं ओरिजिन से ज्वाइन कर देता हूँ यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, और उसको देखो पॉजिटिव डायरेक्शन में एंगल बनाने, ठीक है, दिस इज पॉजिटिव डायरेक्शन, दिस इज नेगेटिव डायरेक्शन। ओके, सो अब देखो ये हो गया अल्फा फ्रॉम एक्स एक्सिस से अल्फा, ये बीटा और ये गामा। ओके, सो इसे कहते हैं सिंपली से कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा। ठीक है, ये होते हैं डायरेक्शन रेशियोज, मैं बस रिवाइज कर दे रहा हूँ, पढ़ा नहीं रहा हूँ, मैं बस बता रहा हूँ कि भाई ये ऐसा ऐसा है। ठीक है, और इसका जनरल नेम होता है एल एम और एन, वही मैंने पिछले स्लाइड में बताया कि इफ अल्फा बीटा गामा बी द एंगल्स विच एनी लाइंस मेक विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्सिस देन कॉस अल्फा कॉस बीटा एंड कॉस गामा आर कॉल्ड डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द गिवन लाइन एंड डिनोटेड बाय एल एम एन। और इसको डायरेक्शन कोसाइंस को शॉर्ट फॉर्म है DCS। ठीक है, चलो नेक्स्ट वन, इंपॉर्टेंट टू लाइन्स आर हियर। इफ लाइन्स आर पैरेलल, अगर दो लाइन पैरेलल है तो उनके डायरेक्शन कोसाइंस के सेट भी मतलब सेम होंगे। मतलब देखो ना, ये 3D है, 3D में ये दो लाइन्स है से L1 L2, जो इसके डायरेक्शन एंगल्स होंगे वे इसके डायरेक्शन एंगल्स होंगे। ठीक है, ध्यान में रखो, जो ये मतलब ये जो लाइन एंगल बनाएगी ना, वो एंगल और ये इस लाइन के एंगल सेम होंगे। ठीक है, मतलब इसके आ रहे 1 2 3, तो इसके भी आएंगे 1 2 3, लाइक दिस। ओके, ध्यान में रखना, अगर MCQ में पूछा जाए तो पूछा जा सकता है। ओके, एंड लास्ट वन इज L² + N² + N² = 1, मतलब डायरेक्शन कोसाइंस जो है उनके स्क्वायर करके एडिशन अगर की जाए तो उसका आंसर आता है 1। ओके, नेक्स्ट वन डायरेक्शन रेशियोज। देखो डायरेक्शन रेशियोज के बारे में बहुत सारा कंफ्यूजन होता है कि डायरेक्शन रेशियोज होते क्या है। पहली बात देखो, रेशियो आया है, रेशियो का मीनिंग क्या होता है, जैसे हमने सेक्शन फॉर्मूला में देखा। ओके, सो देखो अगर यहाँ पे देखो, पहले डेफिनेशन पढ़ लो, एनी थ्री नंबर्स विच आर प्रोपोर्शनल टू द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ लाइन कॉल्ड एज डायरेक्शन रेशियोज। अब देखो डायरेक्शन कोसाइंस क्या है, एल एम और एन, इनको प्रोपोर्शनल नंबर मतलब लाइक दिस, मतलब इनका रेशियो सेम आने वाला,
ठीक है, मतलब एल अपॉन ए अगर किया जाए तो उसका आंसर सेम आएगा, एम अपॉन बी किया जाए तो उसका मतलब आंसर सेम आएगा, एन अपॉन सी किया जाए तो उसका आंसर भी सेम ही आएगा, ठीक है, लाइक दिस। इसे कहते हैं डायरेक्शन रेशियो, ये बहुत वास्ट कंसेप्ट है, ठीक है, बस ध्यान में रखो, और उसे डिनोट किया जाता है ए बी सी से। ओके, देन नाउ रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियोज। अब अगर आपको एग्जाम में दिया जाए कि लेट सपोज ए बी सी आर डायरेक्शन रेशियोज एज गिवन एज 1 2 3, देन फाइंड डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द गिवन लाइन, क्या करोगे? तो आपको रिलेशन पता होना चाहिए। सो रिलेशन इज एल इक्वल टू प्लस माइनस ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, देन एम इक्वल टू प्लस माइनस बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, देन एन इक्वल टू प्लस माइनस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। सो इस सीरीज का पहला एग्जाम्पल, अ स्ट्रेट लाइन मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री एंड 60 डिग्री with positive x-axis and y-axis respectively, then find the angle which it makes with the positive z-axis. अब पहली बात, ये मैं एक्सरसाइज 2.1 से सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है, ये बात ध्यान में रखो। इसे सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, दिया क्या है वो पहले समझ लो। एक लाइन है जो 45 डिग्री बना रही है x-axis के साथ, 60 डिग्री बना रही है y-axis के साथ, तो हमें z-axis के साथ कितना एंगल बना रही है वो निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे अल्फा है अपना 45 डिग्री, बीटा है अपना 60 डिग्री, और हमें फाइंड करना है गामा। ओके, हमें क्या फाइंड करना है? गामा कितना है? ओके, सो हमें एक रिलेशन पता है कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। अब आप बोलोगे ये कब हुआ? मैंने लिख के दिया था ना एल स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1, तो एल क्या है? कॉस अल्फा। ओके, सो ये क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर 45, कॉस स्क्वायर 60 प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। तो कॉस 45 कितना होता है गाइस? 1/√2, देयरफॉर 1/√2 का स्क्वायर। कॉस 60 कितना होता है? 1/2 का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/2 प्लस ये हो जाएगा 1/4 प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। ये कितना हो जाएगा गाइस? क्रॉस मल्टीप्लाई करो या 2 से मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा गाइस 3/4, ठीक है। ये कितना हो जाएगा? 3/4 प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे चला जाएगा राइट हैंड साइड में, सो कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 4 × 1 = 4, ये हो जाएगा 1/4। सो कॉस गामा कितना आएगा? प्लस माइनस 1/2, ठीक है। लेकिन हमें निकालना क्या? पॉजिटिव, ठीक है, क्या निकालना है हमें? पॉजिटिव जेड एक्सिस, देयरफॉर आंसर आएगा कॉस गामा इक्वल टू 1/2। गामा की वैल्यू क्या आएगी? कॉस इनवर्स 1/2। कॉस इनवर्स 1/2 मतलब 1/2 वैल्यू कौन से एंगल पे आती है? 60 डिग्री पे। सो एंगल इज 60 डिग्री। इतना इजी है, देखो। अगर आपको इसके रिगार्डिंग कुछ डाउट्स हो तो पूछते चलो। हाँ चलो, नेक्स्ट वन। इफ अल्फा बीटा गामा आर द एंगल्स विच अ लाइन मेक्स विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्सिस, देन प्रूव दैट कॉस टू अल्फा प्लस कॉस टू बीटा प्लस कॉस टू गामा प्लस 1 इक्वल टू 0। अब देखो, यहाँ पे हमें कॉस टू थीटा का फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। कॉस टू थीटा होता क्या है? तीन फॉर्मूले ना उसके, उसमें से हमें एक ही फॉर्मूला यूज करना है, वो है 2 cos² θ। हाँ एक सेकेंड, 2 cos² θ - 1, ठीक है। तो गिवन में डाल दो, ये हो जाएगा 2 cos² α - 1 प्लस 2 cos² β - 1 प्लस 2 cos² γ - 1 प्लस 1 इक्वल टू 0। ओके राइट, सो देखो कॉस स्क्वायर अल्फा ये बीटा सब एक साइड ले लेंगे हम, यहाँ से 2 कॉमन निकल के आएगा, सो हो जाएगा 2 अगर कॉमन लिया जाए तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, ठीक है, ये -1 -1 -1, ये हो जाएगा -3 प्लस 1 इक्वल टू 0।
अब हमें एक बात पता है, कॉस पर अल्फा प्लस कॉस पर बीटा प्लस कॉस पर गामा कितना होता है 1, देयरफॉर 2 इनटू 1 माइनस 3 प्लस 1 इक्वल टू 0, ये कितना हो जाएगा 2 1 2 माइनस 3 प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है 2 माइनस 3 माइनस 1 प्लस 1 इक्वल टू 0, माइनस 1 प्लस 1 0 इक्वल टू 0, हेंस प्रूफ, इतना ईजी है, ठीक है। सो काफी इजी सॉन्ग्स है आपके टेक्स्ट बुक के अंदर, ये गोल्डन सीरीज का एक्सरसाइज है। ओके नेक्स्ट वन, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ लाइन जॉइनिंग द पॉइंट, ये दो पॉइंट है ठीक है, तो हमें डायरेक्शन कोसाइन निकलना है ठीक है। लेकिन मैं आपके लिए यहाँ पे एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ कि डायरेक्शन रेशियोज ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट, अगर ये दो पॉइंट के थ्रू कोई लाइन पास हो रही है तो उसके डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं, एक्स टू माइनस एक्स वन, वाई टू माइनस वाई वन, जेड टू माइनस जेड वन, ठीक है। और अभी पता है डायरेक्शन रेशियोज आ गया, तो डायरेक्शन कोसाइंस किस तरह निकाला जाता है, एक्स टू माइनस एक्स वन, वाई टू माइनस वाई वन, जेड टू माइनस जेड वन अपॉन डिस्टेंस बिटवीन दोज टू पॉइंट, ओके ये बात ध्यान में रखना। ओके सो इसके इसी के थ्रू हम एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे ठीक है। देखो पहला पॉइंट क्या है, 7 माइनस 5 ये 9, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है, 5 माइनस 3 8, राइट। अब x2 माइनस x1, x2 क्या है अपना 5 माइनस x1 क्या है 7 कॉमा, y2 क्या है, आई होप ये नई मेथड आपको पता मतलब पसंद आएगी, y1 क्या है माइनस 5, सो माइनस माइनस प्लस प्लस 5, ओके। नेक्स्ट वन z2 क्या है, कहा है z2, ये देखो 8 माइनस z1 क्या है 9, तो कितना हो जाएगा 5 माइनस 7 माइनस 2 कॉमा प्लस 2 कॉमा माइनस वन, माइनस टू प्लस टू कॉमा माइनस वन, देखो सही है ना, यस। नेक्स्ट अगर कोई गलती हो जाए तो आई एम सो सॉरी, ठीक है। सो पी क्यू भी निकालना है तो एक्स टू माइनस एक्स वन, राइट। सो एक्स टू माइनस एक्स वन क्या आया, माइनस टू, माइनस टू का स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन आया टू का स्क्वायर, जेड टू माइनस जेड वन आया निगेटिव वन का स्क्वायर, ये रूट के अंदर सब कुछ, तो ये हो जाएगा टू का स्क्वायर फोर, ये हो जाएगा फोर वन निगेटिव वन का स्क्वायर वन, तो हो जाएगा रूट नाइन दैट इज थ्री, ओके प्लस माइनस थ्री इज नॉट नेसेसरी, ठीक है प्लस माइनस थ्री लिख देते हैं, ठीक है। चलो अब इसके अंदर डालो, एक्स टू माइनस एक्स वन आया था माइनस टू अपॉन पी क्यू कितना आया प्लस माइनस थ्री, ठीक है वो मत लिखो नॉट नेसेसरी, ये टू अपॉन थ्री, ये हो जाएगा माइनस वन अपॉन थ्री, आर द डायरेक्शन रेशियो, कितना ईजी है देखो, बस थोड़ा थोड़ा कॉन्सेंट्रेशन करो, इसका स्क्रीनशॉट वगैरह निकाल लो, ठीक है काफी इजी है, ज्यादा कुछ हार्ड वाली बात नहीं है। टू अपॉन थ्री, ठीक है माइनस टू अपॉन थ्री एंड माइनस वन अपॉन थ्री इज द करेक्ट आंसर, ओके। अगर आपको कुछ डाउट्स वगैरह हो तो प्लीज पूछ लो, ओके हाँ आपके टेक्स्ट बुक में इसका उल्टा भी दिया है, मतलब टू अपॉन थ्री माइनस टू अपॉन थ्री एंड देन वन अपॉन थ्री, वो भी चल जाएगा, क्योंकि 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 एक बार यहाँ पे प्लस माइनस थ्री लिया गया, ठीक है ये बात भूलना मत, ठीक है क्योंकि एक लाइन के दो डायरेक्शन रेशियोज के सेट होते हैं, एक फ्रॉम पॉजिटिव साइड एंड एक फ्रॉम नेगेटिव साइड, ठीक है तो उन्होंने अगर नेगेटिव साइड से लिया तो कोई बात नहीं, हमने पॉजिटिव साइड से लिया कोई बात नहीं, ठीक है बात तो एक ही है, डायरेक्शन रेशियोज होते हैं, ठीक है प्लस माइनस का फर्क होता है, ठीक है। सो गाइस आज के लिए इतना ही, अगर आपको कुछ डाउट्स हो तो प्लीज पूछो, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड।